जय श्री कृष्ण जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल में। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना और आज का वीडियो जो है उन सभी लोगों के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी है कि उनके जो पिता हैं उनसे मुंह फुला के बैठे हुए हैं, रूठे हुए हैं, नाराज़ हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं। मुझे बहुत सी लड़कियाँ औरतें फ़ोन करती हैं, उनके ससुर से उनकी नहीं बनती है, उनका ससुर उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं या उन पर शक करते हैं, मतलब ससुर से नहीं बनती है। और बहुत से लड़के लड़कियां आदमी औरत फ़ोन करते हैं कि उनके अपने पिता से नहीं बनती है, पिता से हमेशा झगड़ा रहता है, पिता उनकी बात नहीं मानते हैं। या बहुत से लोग बोलते हैं हम अपने पिता को कैसे मनाएं कि हमारे पिता हमारी बात को मान जाए। तो अगर आपको भी कोई ऐसी समस्या है, आप अपने पिता को मनाना चाहते हैं, आपके पिता आपसे रूठ गए हैं, चिड़चिड़ाते हैं, बात नहीं करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, शराब पीते हैं, झगड़ा करते हैं। पीछे अभी एक लड़की का फ़ोन आया था, उसने मुझे बताया था कि उसके पिता शराब पी के आते हैं, घर में सबको मारते हैं, चिल्लाते हैं, कोई उनको कुछ बोले तो उसे पीछे पड़ जाते हैं। तो यदि आप पिता के सुख से वंचित हैं, पिता का प्यार नहीं मिल पा रहा है, पिता आपको सम्मान नहीं देते हैं, पिता के साथ आपकी बनती नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि क्या करें, कैसे ठीक करें सब कुछ। तो आज का उपाय आपके लिए ही है कि आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, यदि आप माँ लक्ष्मी ज्योतिष और आध्यात्मिक चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन यानी कि घंटी जरूर दबा दीजिएगा। घंटी दबाने से आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आपको हमारा कोई भी वीडियो जो नया डलता है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ये आप ही के लिए अच्छा है। और यदि आपको कोई समस्या है, चाहे आपको हाथ दिखाना हो, चाहे आपको कुंडली रीड करानी हो, चाहे आपको वैसे कोई समस्या हो, परिवार की समस्या हो, प्रेम विवाह से संबंधित समस्या हो, तनाव हो, किसी भी तरह का कुछ भी छोटा मोटा बड़ा हो, आपकी कोई भी समस्या हो सकती है, रोज़गार से संबंधित विवाद हो, कोई भी केस चल रहा हो, कुछ भी, तो आप फिर मुझे 8126476399 ये नंबर स्क्रीन पे भी चल रहा है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करना है सिर्फ, मैसेज छोड़िएगा, कॉल मत कीजिएगा, कॉल वाले नंबर मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि टाइम की बहुत प्रॉब्लम रहती है। जस्ट आपको एक मैसेज छोड़ना है और कैसे छोड़ना है एग्जाम्पल रहती हूँ। जैसे आप लिख देंगे नमस्कार, मेरा नाम सविता शर्मा है या रवि अरोड़ा है और मेरी समस्या ये है कि मेरे अपने घर में बहुत लड़ाई होती है या मेरा पति मुझे मारता है, पीटता है या मेरे घर में बरकत नहीं है या जो भी आपकी समस्या है या मेरा प्रेमी चला गया है छोड़ के और अब कहीं और शादी कर रहा है। बस ऐसे आपको लिख के छोड़ देना है। जैसे ही मेरे पास टाइम होगा मैं आपको ज़रूर कॉल उसका रिप्लाई करूँगी और जो भी मुझे समझ में आता है उसको मैं आपको आंसर करूँगी। तो आप इसे ऐसे करेंगे। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक ये था रूठे पिता को कैसे मनाएं। यदि आपके पिता रूठ गए हैं, आपको परेशान करते हैं, आपसे झगड़ा करते हैं, आपको पिता का सुख नहीं नसीब हो रहा है, तो आपको क्या करना है वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको नेट पे सर्च करना है महाकाल स्त्रोत। आप महाकाल स्त्रोत को नेट पे सर्च करेंगे और आपको क्या करना है आप बता देती हूँ। आपको करना सिर्फ इतना है कि सुबह नहा धोकर आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। हाथ में सफ़ेद कच्चे चावल जरूर लेके जाइएगा जो टूटे नहीं हो। उन चावलों को हाथ में रखिएगा, नहा धोकर आप शिवालय जाइए। सोमवार से स्टार्ट करना है या फिर आपको ये काम रविवार से स्टार्ट करना है। करने के बाद आपको वहाँ पे क्या बोलना है कि हे भगवान शिव शंभु, मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता का नाम अमुक है, मेरा अमुक गोत्र है, गोत्र नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं अमुक स्थान से हूँ, मेरे पिता मुझसे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, मेरे पिता का सुख मुझे नसीब नहीं है, मेरे पिता बात नहीं ठीक से करते हैं, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करना आया हूँ या आई हूँ। आपसे प्रार्थना है कि मेरे पिता या मेरे ससुर जिसके बारे में भी आप बोल रहे हैं वो मुझसे प्यार से बात करें, मेरे से इज्जत से पेश आएँ। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप बोलेंगे कि मैं फला हूँ, मेरे पति का नाम फला फला है, मेरे पति या के जो पिता हैं यानी मेरे ससुर हैं जिनका नाम फला फला है वो मुझसे नाराज़ रहते हैं। अगर आप अपने
लड़के हैं, आप अपने ससुर के लिए करना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे कि मेरा नाम फलाफला है, मेरे पिता का नाम फलाफला है, मेरा जो ससुर है जिसका नाम फलाफला है। एग्जाम्पल रहती हूँ कि हे महादेव, मेरा नाम अमित शर्मा है, मेरे पिता का नाम राम प्रकाश शर्मा है, मेरे जो ससुर जी हैं उनका नाम वेद प्रकाश शर्मा है, जो मुझसे बहुत नाराज़ रहते हैं, मैं उनका प्यार पाना चाहता हूँ, उनके सुख पाना चाहता हूँ और उनको मनाना चाहता हूँ कि वो मुझसे रूठे ना। यानी कि किसी भी तरह से पिता संबंधित कोई भी, चाहे आपके ससुर हों, चाहे आपके पिता हों, चाहे आपकी पत्नी के पिता हों, चाहे आपके पिता हों, किसी के लिए भी आप कर सकते हैं, उसको मनाने के लिए मैं महाकाल स्त्रोत का पाठ करने जा रहा हूँ। मेरी कामना है कि मेरी मन्नत पूरी हो और मेरा ससुर या मेरे पिता मुझसे बात करना शुरू करें, मुझे इज्जत से बात करें, जो मेरे अधिकार है वो मुझे दें। ऐसा करके आपको प्रार्थना करनी है, अपनी मन्नत बोल देनी है और बोल देना कि हे भगवान श्री गणेशपति महाराज, अब को साक्षी मान के महाकाल स्त्रोत का, भगवान शिव का पढ़ने जा रहा हूँ। हमारे आचार्य संध्या सक्सेना जी हैं जिन्होंने हमें ये उपाय दिया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ या करती हूँ, जिनके कारण मैं पढ़ने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। अतः हम पे कृपा करें और फिर आप हम पे भी कृपा करें और हमारे आचार्य संध्या जी हैं उनके और उनके परिवार पे भी कृपा करें। ये महाकाल स्त्रोत जो मैं पढ़ूँ मुझे भी लगे, मेरे परिवार को लगे, मेरे काम बने और मेरी जो आचार्य हैं उनको भी लगे। इस तरह से गुरु का नाम लेना ज़रूरी होता है। फिर आप वो चावल हाथ में पड़े पकड़े, जो अपने कच्चे चावल हाथ में लेना बिना टूटे, वो हाथ में पकड़े पकड़े महाकाल स्त्रोत पढ़ना है। महाकाल स्त्रोत 3 बार कम से कम पढ़िएगा, फिर वो सारे चावल शिवलिंग पे छोड़ देना। मंदिर में ही उपाय करना है, घर पे नहीं होगा तो पहले सोच लो, मुझे लिख के मत भेजना कि मैं मंदिर नहीं जा सकती तो घर पे कर लूँ, ये सब फालतू की बातें नहीं। अब मंदिर बोला तो मंदिर, सुबह जाओ मंदिर, दोपहर जाओ मंदिर, शाम जाओ मंदिर, चाहे रात जाओ मंदिर, मुझे इससे कोई नहीं है। और आजकल तो शिवलिंग मैंने देखा है कि कई सारे बरगद के पेड़ों के नीचे सड़कों पे रखे मिलते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं, आप कहीं भी कर लो पर शिवलिंग पे ही करना है। तो महाकाल स्त्रोत का पाठ करना है आपको, इससे आपके संबंध, आपके पिता समान जो भी व्यक्ति है, जो आपके ससुर हैं या आपके पिता हैं, उनसे अच्छे होंगे। और साथ साथ में एक और काम जो आपको करना है वो ये है कि जब आप सुबह सो के उठते हैं तो जो जल का पात्र होता है उसमें आपको 21 दाने डालने हैं लाल मिर्च के, सूखी लाल मिर्च आती है ना, आप उसको फाड़ लीजिए, उसके दाने निकलेंगे, उसके दाने वैसे अलग से भी दाने मिलते हैं, वो दाने आप ले लीजिएगा। उन दानों को, 21 दानों का जो लाल मिर्च के होते हैं, उसको आपको जल में मिलाना है और तांबे का लोटा लेना है, और फिर आपको ये जल जो है ओम नमः शिवाय बोलते हुए या ओम घृणी सूर्य देवाय नमः बोलते हुए सूर्यदेव को चढ़ा देना है नहाकर सुबह सुबह। ऐसा आपको कंटिन्यूटी में करना है। आपको एक महाकाल स्त्रोत पढ़ना है मंदिर में और एक आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, लेकिन लाल मिर्च के दाने डालकर 21। आपके पिता के साथ संबंध आपके अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, और सिर्फ पिता से ही नहीं, पिता संबंधित कोई भी व्यक्ति जो पिता के समान हो, पिता के घर से जो भी उनके भाई हैं, चाचा हैं, ताऊ है, ये सब आपके पिता संबंधित संबंध हो गए ना, इन सब से आपकी पटने लगेगी। इससे एक फ़ायदा और आपको होगा कि आपका जो हाँ जॉब करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको फ़ायदा होगा, आप इसे ज़रूर कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे 8126476399 पर व्हाट्सअप कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मत लिखिएगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा।